नमस्कार इंडिया टाइम, स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज प्रयागराज। बोट चलने पर प्रतिबंध के विरोध, कई हजार बालू खनन मजदूरों ने मुट्ठी बांधी। एआई के एमएस के नेतृत्व में आज करीब 6000 मजदूरों ने भीटा पहाड़ी पर सभा की ओर से बोट पर खनन पर प्रतिबंध लगाए जाने, माफिया द्वारा मशीनों का प्रयोग करने तथा बालू मजदूर नेताओं पर फर्जी केस लिखे जाने के खिलाफ नारे लगाए और इलाहाबाद, कौशाम्बी व मऊ क्षेत्र का 1,00,000 से अधिक परिवारों की जीविका छिन गई। 50 से अधिक गांवों से एकत्र हुए नेताओं ने मजदूरों की आर्थिक दशा और बदहाली का हवाला देते हुए कहा कि स्कूल की फीस न देने के कारण उनके बच्चों को स्कूल से लौटाया जा रहा है। क्योंकि वे फीस नहीं जमा नहीं भर पा रहे हैं और सरकार ने इनके रोजगार का कोई वैकल्पिक प्रबंध नहीं किया है। हमारी सर मांग है कि 50,000 मजदूर के बोर्ड से बालू निकालते थे। हमारी दूसरी मांग है कि इस आदेश का जो आधार बनाया गया है उस तो ये मतलब कौन से अधिकारी थे? ये एडीएम प्रशासन विजय शंकर दूत। तो ये अपना आश्वासन कब तक देंगे आप लोगों को? इन्होंने इनसे 4-6 घंटा बात हुई है। इन्होंने बड़े मुश्किल से ये कहा कि हम डीएम साहब से बात करेंगे, वही बात तो कोई मुद्दा नहीं निकाल पाए। नहीं, अब बताएंगे डीएम साहब। इन्होंने हमसे ये आश्वासन जरूर दिया था कल कि 2 दिन बाद हमें और कागज़ दिखा देंगे, तो वो भी देख लेंगे।